हाँ वीडियो लेट तो आ रही है यार। चक्कर पता क्या, अपने काम में क्या दिक्कत है ना, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि वीडियो मेरी शेयर करो, शेयर करने से तो यार और लोग भी दारू पीने लग जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सिमरन और ये है जॉन बार ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। कुछ ज़्यादा रिसर्च तो नहीं कर पाया इसके बारे में मैं। ये 2017 में दोबारा रीलॉन्च की गई, इसकी टैगलाइन वही है कि सिंस 1881। ब्लैक लेवल और रेड लेवल की तरह इनमें भी दो एक्सप्रेशन आते हैं। जो रेड लेवल की रेंज का है उसके मुकाबले का है, उसका लेबल भी रेड है। ये ब्लैक लेवल के रेंज की है और मुकाबले की है उसके, तो इसका लेबल भी सेम उसी तरह ब्लैक है, स्क्वायर बॉटल है, वही सिमिलर डिज़ाइन ऑलमोस्ट। अगर बॉटल ऐसे ओपन पड़ी हो तो एक बार में तो दूर से लगता है कि ये ब्लैक लेवल ही है। ये आती है जॉन बार एंड कंपनी ग्लासगो की तरफ से, 750 ml की बॉटल है और बॉटल इन स्कॉटलैंड है। ये आती है 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम के साथ, और सच में वैसे बॉटल कुछ ज़्यादा ही सिमिलर लग रही है, अब हाथ में पकड़ने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही। और ये चंडीगढ़ में मुझे मिली है 2000 की, तो इससे तो बिल्कुल ही 100% हो जाता है कि ब्लैक लेवल का ही रेट रखा है। ब्लैक लेवल वाली बोतल है, लेबलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। उसी तरह 40 तरह की माल्ट और ग्रेन विस्की मिला के इसको ब्लेंड किया जाता है। कुछ ज़्यादा ही टाइट रखना है यार, कोई ऊपर कैप नहीं है। आज मेरा सिग्नेचर ग्लास कहीं मैं रख के भूल गया, इतने देर से कोई वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवलिंग पे था तो वीडियो बना नहीं पाया, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसकी नोजिंग। काफ़ी हद तक पीटी विस्की है। मुझे माल्टी नोजिंग आ रही है, साथ में हल्का हल्का वनीला। अब की जाए टेस्टिंग। चेयर्स। स्मूथ है, स्मोकी है, हैंट ऑफ पेपर, मैं सच बताऊं ना एग्जैक्टली अगर मैं इसका टेस्ट डिस्क्राइब करूं तो ब्लैक लेबल, जिन्होंने पी है उनको पता होगा, ब्लैक लेबल और डबल ब्लैक के बीच का कुछ कह लो या कह लो, दोनों को मिक्स करके एक बॉटल में डाल दिया गया हो। पीट है डबल ब्लैक के लेवल का ऑलमोस्ट, मतलब उससे थोड़ा कम होगा बट काफी है। और जिस तरह की एक स्वीटनेस आ रही है और पेपर का हिंट आ रहा है और माउथ में काफी लॉन्ग फील है इसका, तो उस तरीके से ब्लैक लेवल। सिमिलर है ब्लैक लेवल से, वही जॉनी वॉकर फैमिली से ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है, बट यहाँ भी ये भी बात भी है कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, वो अपनी जगह है। नो डाउट इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैंने एक्चुअली पहली बार देखी तो मैंने उठा ली, वहाँ से ही मुझे पता लगा कि इसमें रेड लेवल के टाइप की सेम लेबल, उसका भी रेड कलर में लगा होता है, वो भी आती है बट वो अवेलेबल नहीं थी। तो 2000 के हिसाब से ब्लैक लेवल से अगर मुकाबला कराना हो मुझे तो ओके ओके है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, कोई विस्की बुरी नहीं होती, ये अपना अपना टेस्ट है हमारा। किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को किसी तरह का हिंट अच्छा लगता है, बट हाँ डेफिनेटली है कि ये विस्की एक ट्राई तो मांगती है, एक बार जहाँ भी मिले ट्राई जरूर करना। बाकी इसका कोई दूसरा एक्सप्रेशन अगर मुझे मिलता है तो मैं पक्का उसका भी रिव्यू करूँगा। बाकी ख़त्म करें यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। थैंक यू।